हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल BSP क्लासेज में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है ये आपको पता है हिंदी का टॉपिक है, हिंदी का टेस्ट सीरीज है, ये तो आपने सिलेबस में देख लिया होगा। इसके अलावा ये जो क्लास आज की वो सभी विद्यार्थी देख सकते हैं, चाहे वो राजस्थान से हो चाहे ऑल इंडिया का कोई भी एग्जाम हो जिसमें दोस्तों आपके हिंदी सिलेबस में है, तो वो विद्यार्थी इस वीडियो को अंत तक देख के साथ कमेंट सेक्शन में साथ के साथ आंसर आपको लिखते चलना है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले जो चैनल पर नए आए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने बाद पास में लगा जो बेल बटन है इसको जरूर दबाए, क्योंकि इसी के माध्यम से दोस्तों हमारे चैनल पर जो राजस्थान पटवारी पुलिस हाईकोर्ट रीट और अन्य एग्जाम्स की दोस्तों लाइव टेस्ट सीरीज होती है उन सभी की आपको अपडेट मिल सकेगी। PDF भी दोस्तों आपको प्रोवाइड कराई जाती है, कैसे और कहाँ मिलेगी वो हम आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आनंद मठ किसने लिखा है। दोस्तों शुरू में ही बता देता हूँ आपको कि सारे के सारे क्वेश्चन या तो एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है या उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि आगे आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाने के काफी चांसेस है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था आनंद मठ किसने लिखा है। तो दोस्तों आनंद मठ जो आपके बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसा है कुछ विद्यार्थी आंसर कर भी रहे हैं लेकिन सभी विद्यार्थी जो लाइव क्लास देख रहे हैं वो इसको आंसर नहीं कर रहे हैं, तो उन सभी विद्यार्थियों से मैं कहना चाहता हूँ जो अभी क्लास देख रहे हो चाहे 1 घंटे बाद देखे, 1 दिन बाद देखे, 1 महीने बाद देखे, जब भी आप इस क्लास को देख रहे हो साथ के साथ कमेंट सेक्शन में आपको आंसर जरूर करना है। अगर आपको नहीं आता तो गलत लिखिए, आपको एक गलत लिखने वाली हैबिट दोस्तों आपको सिलेक्शन लेने में बहुत मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 2, जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कृति का क्या नाम था। दोस्तों नीचे दिए ऑप्शन में से आपको बताना है कि जो जयशंकर प्रसाद हैं इनकी एक प्रसिद्ध कृति का है वो कौन सी है। नीचे ऑप्शन दिए गए उनमें से, तो इनमें दोस्तों आप ऑप्शन सी देख पा रहे होंगे, कामायनी, ये आपके जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है जिस एग्जाम में हिंदी का टॉपिक रखा जाता है, और लगभग दोस्तों आज के ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिनमें हिंदी ना हो, हिंदी का सिलेबस दोस्तों लगभग हर एग्जाम में रखा जाता है। तो जंगल में लगने वाली आग को दोस्तों आपके दावानल दावानल कहा जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अतिवृष्टि का विलोम शब्द है। दोस्तों विलोम शब्द बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि अतिवृष्टि, अतिवृष्टि यानी अति का दोस्तों मतलब आप सभी जानते हो अति मतलब अधिक, तो अति का दोस्तों आप विलोम कर दीजिए यहाँ पे अल्प, अल्प यानी कम, तो अल्पवृष्टि दोस्तों ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों जिसको आपको ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है, बस एक बार समझना है आपको, और वही टेस्ट इसीलिए टेस्ट रखा जाता है ताकि आप टेस्ट के माध्यम से समझ लें और एग्जाम में आप सही आंसर करके आए और अपना सिलेक्शन कन्फर्म कर ले। रहीम का पूरा नाम क्या था। दोस्तों क्वेश्चन इसी प्रकार पूछा गया था एग्जाम में कि रहीम का पूरा नाम क्या था, तो राइट आंसर यहाँ हो जाएगा कि अब्दुल रहीम खान खाना, दोस्तों ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये रहीम का पूरा नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संधि विच्छेद कि महोत्सव का संधि विच्छेद है। दोस्तों महोत्सव का संधि विच्छेद क्या है नीचे दिए गए ऑप्शन में से आपको बताना है, तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन ए जो दिया गया है महाप्लस उत्सव, दोस्तों महाप्लस उत्सव को आप महोत्सव है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंगा सिहार मुहावरा का अर्थ क्या है। दोस्तों रंगा सिहार मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा आपको बताना है, तो रंगा सिहार मतलब दोस्तों होता है कि धोखेबाज व्यक्ति, अगर कोई धोखेबाज व्यक्ति होता है तो उसको बोला जाता है रंगा सिहार, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री गणेश, दोस्तों श्री गणेश शब्द का विलोमार्थी शब्द क्या है। विलोमार्थी शब्द पूछा गया दोस्तों, यहाँ विलोम शब्द नहीं पूछा गया है, यहाँ विलोमार्थी शब्द, और विलोमार्थी शब्द क्या होते हैं अनेकार्थी सबके बारे में दोस्तों मैंने विस्तार से आपको बताया है। अगर आप चैनल पर नए और हमारे पीछे क्लासेज नहीं देखी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट के लिंक दिए गए हैं, सभी प्लेलिस्ट के राजस्थान पुलिस पटवारी हाईकोर्ट रीट और ये हिंदी की क्लासेज, दोस्तों सभी क्लासेज का आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से देख सकते हो, ये क्लास पूरी देखने के बाद वहाँ जाके जरूर देखें। श्री गणेश शब्द का दोस्तों विलोमार्थी शब्द जो आपके होता है वो यहाँ पे होता है इतिश्री, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संप्रति का अर्थ क्या है। संप्रति का अर्थ दोस्तों क्या है ये आपको यहाँ पे बताना है नीचे दिए गए ऑप्शन में,
संप्रति का अर्थ दोस्तों यहाँ हो जाएगा वर्तमान में, वर्तमान में, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेपेंदी का लोटा मुहावरे का अर्थ क्या है। दोस्तों बेपेंदी का या बिना पेंदी का भी लिखा होता है कभी कभार, कि बिना पेंदी का लोटा मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो दोस्तों बिना पेंदी का लोटा इसका मतलब होता है स्थिर विचारों का ना होने वाला व्यक्ति, यानी दोस्तों स्थिर यानी कि एक जगह ना रहने वाला व्यक्ति, कभी इधर कभी उधर, बिना पेंदी का लोटा, ये इसका अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है कि निम्न में से शब्दों के विलोम शब्द चुनिए। दोस्तों 11 से लेकर 14 क्वेश्चन था, तो 4 क्वेश्चन है, इनके आपके विलोम शब्द चुनने। उपकार का विलोम क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो उपकार का दोस्तों अपकार होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता होगा, पढ़ा होगा आपने, सिंपल से क्वेश्चन है विलोम शब्द वाले, और एग्जाम में यही क्वेश्चन दोस्तों आपको कन्फ्यूज कर देते हैं। गंभीर का दोस्तों आपका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो विलोम पूछा गया है, तो गंभीर का दोस्तों आपके हो जाएगा वाचाल, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आस्था का दोस्तों आपके विलोम शब्द हो जाएगा अनास्था, ऑप्शन ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनादर, दोस्तों अनादर अनादर का आपके विलोम शब्द क्या होता है, तो आप सभी को पता होगा अनादर का आपका विलोम शब्द होता है आदर, तो आदर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको एग्जाम में अगर देखने को मिले तो आप, अगर आदर का पूछा जाए तो अनादर, और अनादर का पूछा जाए तो आदर इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी एग्जाम में कन्फ्यूज नहीं होना है, जैसे आप क्वेश्चन को देखे, टेस्ट इसीलिए दोस्तों आपके लिए रखा जाता है कि जैसे आप क्वेश्चन को देखे एग्जाम में, तो आपको ये होना चाहिए हाँ ये क्वेश्चन तो मैंने किया है और इसका मैं राइट आंसर कर सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं। दोस्तों वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का आपको चुनाव करना है, तो जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय बोला जाता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी काम को चित्र लगाकर करने वाला, दोस्तों किसी काम को चित्र लगाकर करने वाले को क्या कहा जाता है, उसको बोला जाता है दत्तचित, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्त्री जो कविता रचती है, दोस्तों स्त्रियों जो कविता रचने वाली स्त्रियां होती हैं उनको क्या बोला जाता है, तो आपको पता होना चाहिए पुरुष होते हैं उनको तो कवि बोला जाता है, और जो स्त्रियां होती है तो कवि का ही दोस्तों आपके ये हो जाएगा स्त्रीलिंग, कवित्री, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्षीण का तद्भव रूप है। दोस्तों तद्भव रूप आपको बताना है, यहाँ पे तद्भव तत्सम इनके बारे में विस्तार से मैंने बताया, पहले भी बता चुका हूँ, जो रेगुलर है वो तो जानते होंगे, जो नहीं है उनको मैंने बताया, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया प्लेलिस्ट का, वीडियो का समाप्त होने के बाद उनको जाके जरूर देखें, ताकि आप अगली बार जब टेस्ट कर रहे हो तो आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। क्षीण का दोस्तों आपके यहाँ पे पूछा गया तद्भव, तो यहाँ पे छीन हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द है। दोस्तों इन नीचे दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा तत्सम शब्द है, तो यहाँ पे दोस्तों आप चूर्ण ऑप्शन ए जो देख पा रहे हो यही तत्सम शब्द है, बाकी आपके तत्सम शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिलावट में प्रयुक्त प्रत्यय है। दोस्तों मिलावट में किस प्रत्यय का आपके प्रयोग हुआ है ये आपको बताना है नीचे देंगे ऑप्शन में, तो आपके आवट, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका प्रत्यय मिलावट में है। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन है दोस्तों आपके संप्रदान की विभक्ति है। संप्रदान दोस्तों कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, ये आपने जरूर पढ़े होंगे, अगर आपने नहीं पढ़े तो आप जाके ये वीडियो अंत होने के बाद जरूर पढ़िएगा, आपके लिए इम्पोर्टेंट, अगर आपके एग्जाम में हिंदी सिलेबस है तो। दोस्तों संप्रदान की विभक्ति आपके किसके लिए होती है, ये आपके के लिए होती है, संप्रदान यानी के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, दोस्तों ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वनाम के कितने प्रकार, यानी सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों 6 प्रकार के होते हैं, पहले से टिक लगा हुआ है और आप सभी को इसके बारे में जरूर पता होगा, बचपन से आप इनके बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं। ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद है। दोस्तों ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, ब्रह्मा प्लस अस्त्र, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों विद्यालय शब्द, विद्यालय के बारे में दोस्तों संधि विच्छेद तो सभी को पता है, आप रटते हुए आ रहे हैं बचपन में, लेकिन आपको क्या ये पता है विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों विद्यालय में आपके स्वर संधि होती है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, और एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और बहुत कम विद्यार्थियों ने इसका राइट आंसर किया था, क्योंकि उन्होंने कभी इसके बारे में पढ़ा ही नहीं, लेकिन आप VSP क्लास ये चैनल पर रेगुलर है तो आपको इसके बारे में जरूर पढ़ना है, अगर आपके एग्जाम में दिखे, देखने को क्वेश्चन मिले तो आपको राइट आंसर करके
अन्य सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं या किसे कहते हैं? तो दोस्तों सरल एवं सरल जो आपके साधारण वाक्य होते हैं उनको, जिसमें एक उद्देश्य एवं विधेय हो एक ही क्रिया, उसे आप सरल और साधारण वाक्य कहते हैं। दोस्तों पीडीएफ की बात रही, पीडीएफ के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे दोस्तों टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज का लिंक दिया है। वहाँ जाके उनको फॉलो कीजिए, ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको हमारी जितनी भी क्लासेज होती हैं उन सभी की दोस्तों पीडीएफ भी मिलेगी, और वहाँ पर सभी क्लासेज, जो आने वाली क्लासेज, उनकी अपडेट भी मिलेगी। तो आप जाके उनको ज्वाइन कीजिए, फॉलो कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी के कथन को उद्भूत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों उद्भूत करते, तो किसी कथन के दोस्तों उद्भूत करते समय आपके अवतरण या उद्धरण चिन्ह का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द बहुव्रीही समास का सही उदाहरण है? नीचे दिए गए ऑप्शन में आपको बताना है। तो यहाँ दोस्तों आप देख पा रहे हो चौमासा, ये आपके बहुव्रीही समास का सही उदाहरण है। और विस्तार से अभी मैं आपको नहीं बता सकता बहुव्रीही क्या समास होता है, विस्तार से मैंने आपको पीछे इसके बारे में बताया है। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? दोस्तों विशेषण और विशेष्य के योग से आपके कर्मधारय समास बनता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आम्र का पर्यायवाची है दोस्तों, तो आम्र का पर्यायवाची यहाँ पे आपके क्या हो जाएगा? रसाल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और आज का अंतिम क्वेश्चन, कि सर्प के लिए उपयुक्त शब्द नहीं है। तो दोस्तों भुजंग भी बोला जाता है, व्याल भी बोला जाता है, नाग भी बोला जाता है, लेकिन कनक जो है ये सर्प के लिए उपयुक्त शब्द नहीं है। तो दोस्तों आपका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, सभी ग्रुप्स में शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और ऐसे दोस्तों हिंदी की क्लासेज और राजस्थान पुलिस पटवारी हाईकोर्ट ग्रुप डी रीट और अन्य एग्जाम्स की तैयारी है तो लाइव टेस्ट प्राप्त करने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद पास में लगा बेल बटन जरूर दबाएं। और पीडीएफ के लिए मैंने आपको शुरू क्लास के अंत बीच में बता दिया है कि किस प्रकार से आपको ज्वाइन होना है और कैसे पीडीएफ प्राप्त करनी है। धन्यवाद दोस्तों।